हाय हेलो, हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। हब और मैं बस ऐसी कोई खास जगह जाना नहीं है, बस एक दो काम था, सारा काम खत्म करके बस ऐसे घूमने के लिए थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, आगे बात करती हूँ। आज है फ्राइडे, हम लोग पिथौरागढ़ से आ गए हैं, अपने काम को स्टार्ट कर लिया है। देखते हैं क्या क्या होता है, फिर मैं आपके साथ बात बने रहती हूँ। आज हम एक नए इलाके की तरफ जा रहे हैं। जैसे हल्द्वानी मेरे लिए नया ही है, मैं रहती हूँ यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गया होंगे लगभग, पर ज़्यादा ऐसे घूमा नहीं है, देखा नहीं है मैंने इसको, क्योंकि जब आप जॉब में होते हो और एक टीचर के लिए काफ़ी टफ होता है कि आप कितना टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ एक संडे मिलता है और संडे के दिन ऐसा रहता है कि खुद के लिए भी बहुत कुछ करना होता है, पूरे हफ्ते का काम होता है, घर को देखना होता है। तो मैंने दरअसल कुछ यहाँ पे ज़्यादा इलाके देखे ही नहीं है, तो आज हबो मुझे दिखाने ले जा रहे हैं। कौन सी जगह? फतेहपुर। फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ इस साइड को, काफ़ी गांव का जैसा इलाका है। इसी साइड शायद मैं इस रोड से हाईवे से पार हुई होंगी, क्योंकि DPH स्कूल इसके आगे ही है ना। हाँ, मैं यहीं पे जॉब क्या करती थी, DPH स्कूल था यहाँ पे, था क्या अभी भी है, पर मैं जॉब नहीं करती है अब, मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मेरा अपना बुटीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, जॉब से ज़्यादा अच्छा है। टीचिंग ठीक है, आप खुश रहते हो। हल्द्वानी में मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगती है, बस ये रोड और दोनों साइड को जो ग्रीन है ना, ट्री वगैरह काफ़ी अच्छा ग्रीन ग्रीन सा रहता है। ये मैंगो का गार्डन है, काफ़ी बड़ा है। इस साइड को खेत वगैरह है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। रास्ते में जाते हुए हमें एक बहुत अच्छा सा मंदिर दिखाई दिया हनुमान जी का, तो वैसे मैंने एक दो बार देखा भी है इसको यहाँ से जाते हुए, फिर मैं उतर करके भगवान जी का दर्शन भी किया। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, बाहर से तो हनुमान जी दिख रहे थे, शायद और भी कुछ है यहाँ पे। कभी मैं ऐसे फास्ट करके आऊँगी या कुछ, अभी मैंने एग वगैरह खाया था इस ट्रेनिंग के अंदर, तो मैंने बाहर बाहर से दर्शन कर लिया था। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रुक करके थोड़ी देर को, और मुझे दिख रहा था कि अभी मेरा फ़ोटो खींच क्लिक कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं था। तो काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर लोकेशन, जंगल के बीच में ये टेंपल बना हुआ है। जय श्री श्याम जी। अब हम जा रहे हैं कोटा बाग को ना, यहाँ मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, मैं पहले भी आई थी।
और कहीं ना शेर आ जाए, बाकी अकेले में ना हम दोनों को खा जाए। देखेगा जो तुझको तुझ पे मर जाएगा, मेरी जान पे वो भी अपनी जान लुटाएगा। तेरे हुस्न के जादू से वो बच नहीं पाएगा। डरे हम क्यों डरे, भला हम क्यों डरे, अरे हम क्यों डरे, अजी हम क्यों डरे। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। बागी बने पागल बने दीवाने।